बसफ्लिक्स जो है एक नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है, तो हमारा बेसिक थॉट ये है कि सेक्स, बोल्ड न्यूडिटी, अब्यूजिव लैंग्वेज, ब्रूटल किलिंग, ये सब चीज़ें जो है हम हमारे चैनल पे नहीं दिखा रहे। ये छोड़ के जितने भी जॉनर है, जितना भी एंटरटेनमेंट है, हम ऑडियंस के लिए लेके आ रहे हैं। और बहुत जल्द चैनल लाइव हो जाएगा, जो हमने शूट किया, जो आपको पता चला, बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी प्यारी स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इसके बारे में हमारी राइटर मनाली बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जेन जी, ये वर्ड आपने सुना होगा, मतलब आज की जो जनरेशन है 20 से लेकर 25 साल के बच्चे, तो ऐसे ही पांच बच्चों की ये कहानी है जो एक स्कैम करना शुरू कर देते हैं, एक स्कैम में फंस जाते हैं और एक गलत ट्रैक पे लाइफ में निकल जाते हैं। और उन्हें सीधे ट्रैक पर लाने के लिए एक बहुत ही सच्चा, ऑनेस्ट लेकिन रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, जिसका नाम है कृष्णकांत, जो रोल सयाजी सर प्ले कर रहे हैं। और इनसे अच्छा एक्टर हमें नहीं मिल सकता था फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। और जैसा इनका नाम है कृष्णकांत, बिल्कुल वैसा ही इनका रोल है, जैसे कृष्ण अर्जुन को गाइड करते हैं, वैसे ही ये नए बच्चे जो है, नई जनरेशन जो है, इन्हें सही रास्ता कैसे दिखाते हैं, इसी के ऊपर एक कहानी बेस्ड है। सर, घर बंदूक बिरयानी में आप कहीं हाँ, मतलब घर बंदूक बिरयानी नक्सलाइट वाला था, वो पुलिस को मारने के लिए रोल था। अभी ये पुलिस है जो नक्सलाइट के लिए मारने के लिए है। नक्सलाइट मतलब वो बैड थॉट के ऐसे माना जाता है। तो इसमें ये ऐसी कहानी है कि जो रिटायर्ड है फिर भी वो ऑन ड्यूटी रहता है, और जैसे होता है ना कि दिमाग से प्रॉब्लम नहीं जाता है, तो ऐसा एक कैरेक्टर है जो बहुत, मतलब मैं अभी तक ऐसा कैरेक्टर नहीं किया, रिटायर्ड पुलिस हो के भी फिर अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो एक अच्छा सा थॉट है इसमें। और बस फ्लिक्स में क्या होता है कि गालियाँ गालियाँ सुन के अभी कुछ अच्छे वर्ड्स है नहीं सुनने को, तो वो थोड़ा एक अच्छा ट्रैक भी है। ये आइडिया भी अच्छा लगा कि आजकल बहुत गालियाँ सुन सुन के पक गए, इससे भी कुछ इंटरटेन हो सकता है, तो एक अच्छा लगा मुझे। बड़े बैनर में अभी तक बड़े बड़े बैनर में फिल्मों में आपको क्या कारण है कि आप नए बैनर में? कोई छोटा और कोई बड़ा बैनर नहीं होता है, पहले बड़ा बैनर भी पहले छोटा ही होता है ना, स्टार्ट में छोटा सीड तो छोटा ही होता है ना, बाद में पेड़ बनता है ना, तो ये अभी सीड है ना, अभी देखा जाएगा कैसे बढ़ता है वो, तो ऐसा कुछ नहीं, बड़ा छोटा कुछ नहीं, मैं मानता हूँ। आपने एक पॉलिटिशियन काम किया था और एक तरीके से पुलिस को आपने बहुत परेशान किया था, परेशान होने नहीं, अभी कभी होता है कि जिस एंगल से स्टोरी है उसी, मतलब गुंडे के एंगल से अगर स्टोरी शुरू होती है तो गुंडा हीरो होता है, पुलिस के एंगल से स्टोरी शुरू होती है पुलिस हीरो बनता है, तो ये थोड़ी सी पुलिस एंगल से जाने वाली स्टोरी है। तो कई बार आपका किरदार लीड एक्टर्स पर भी भारी पड़ता है, आपका किरदार जिस तरह से रहता है, तो क्या आप किस तरह प्रिपरेशन करते हैं उस बारे में बताएं कोई भी रोल के लिए? या मुझे अभी ऐसा, अब बराबर बोल रहे हैं कि जैसे कि शुल में और एक गाना था, लेकिन बोले कि और कैरेक्टर अभी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं एक ड्रामा में काम किया था, तभी बोले थे कि अभी इसका सीन मत बढ़ाओ यार, मतलब कुरुक्षेत्र में भी ऐसे होता, महेश बांद्रेकर एक बार उनको बोला कि अभी ये गोपी का कैरेक्टर और हो ये जाएगा तो हीरो से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक एक होता है ना स्टोरी का एक अपना एक दायरा होता है, उस दायरे में किसको कितना ओवर पे बैटिंग करना चाहिए उस हिसाब से कैप्टन प्लान करता है, लेकिन वो एक हर एक्टर की अपनी इंटेंसिटी होती है और उसका जो विल होता है वो कभी कभी ज़्यादा वर्क होता है, कभी कभी नहीं होता है, डायरेक्टर के ऊपर करता है। डायरेक्टर थोड़ा सा स्वार्थी रहता है, वो जो अच्छा करता है उसको ज़्यादा चांस देता है। सर, आपने कई फिल्मों में विभिन्न तरह के किरदार निभाए, उसमें आपका किस तरह का किरदार इसमें नज़र आएगा? गंभीर शेड्स अभी आप देखने के बाद बताया तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्योर इंटेंसिटी वाला कैरेक्टर है, जेन्युइन कैरेक्टर है, ताकि प्रॉब्लम को पक गया है तो उसको लगता है कि ये सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन देखने के बाद ही ज़्यादा अच्छा बोलना ठीक रहेगा। सबसे पहले ये स्क्रिप्ट आने के बाद मुझे लगा कि अरे यार ये सही रोल है मेरे लिए और लिखा भी अच्छा है, तो मैं बनाने से फ़ोन किया और
स्टोरी मंगाया, पहले तो ऐसे ही सुना था, फिर मैं एपिसोड मंगाया और फिर एपिसोड पढ़ा तो मुझे लगा कि ये करने लायक है। और जैसे कि उसके सीज़न आने वाले हैं, अभी तो ये शुरू होने वाला है, तो लगा कि ये कुछ इम्पैक्ट देगा ये कैरेक्टर, तो चलो शुरू करते हैं। ज़्यादा सोचते नहीं है, जब अच्छा लगता है तो इमीजिएट हाँ बोलना चाहिए, जब अच्छा नहीं लगता है तो इमीजिएट ना बोलना चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो इमीजिएट बोला कि मेरे को नहीं करना है, इमीजिएट अच्छा लगा बोला तो मेरे को करना है, ये तो दिल से थॉट आता है तो एक्सेप्ट करना। एक्चुअली हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को हम एक माचो इमेज में देखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक सामान्य पुलिस ऑफिसर है उसका जीवन कैसे होता है, उसका डेली रूटीन कैसे होता है, वो भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये जो पुलिस ऑफिसर है ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, इनका मतलब ड्यूटी और काम सब कुछ ख़त्म हो चुका है, फिर भी ये अपने ड्यूटी से रिटायर नहीं हुए। तो मतलब एक डायलॉग भी है कि पुलिस ऑफिसर्स जो है वो डिपार्टमेंट से रिटायर हो जाते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी से रिटायर नहीं होते। तो यही एक थीम है इस कहानी की और ये ऐसा किरदार है। एक्चुअली ये कहानी ऐसी है ना कि हर एक कैरेक्टर का एक ग्रे शेड है, और अगर आप विलन कौन है पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि जो जनरेशन गैप है वही इस कहानी का विलन है, कोई सही या गलत नहीं है। बट ये जो बच्चे हैं ये जेन जी है, बहुत ही नई जनरेशन है, और कृष्णकांत जो है वो एक पुरानी जनरेशन का है, तो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है और यू नो हर कोई पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहा है, तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो विलन है इस कहानी। मनीषा जी, आपने जो इसकी कहानी लिखी है, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, क्या क्या अनुभव है इसके कहानी? मुझे इसकी प्रेरणा मेरे इर्द गिर्द देखने के बाद ही मिली, क्योंकि जेन जी जो जनरेशन है, मैं उसके थोड़ी सी पहली वाली जनरेशन हूँ, तो मैंने उन्हें भी देखा है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको भी देखा है। तो हमेशा ये सोचती थी कि ये जो जनरेशन गैप है ये हमेशा एक प्रॉब्लम की तरह हम इसे देखते हैं कि जनरेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जनरेशन गैप की वजह से कॉमेडी भी हो सकती है, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस भी हो सकती है, एक क्राइम सीरीज भी बन सकती है कि दो जनरेशन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और उनके भी चोर पुलिस का खेल शुरू हो जाता है। तो ये ऐसी कल्पना मेरे दिमाग में आने लिखते लिखते क्या आपके जहन में शायद जिंदगी भी आपके लिए फिट बैठे थे या आपके मन में चल रहा था? जब मुझे नाम इनका सजेस्ट किया गया तब तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इस रोल के लिए इनसे बेहतरीन एक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारे शेड्स जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कृष्णकांत का भोलापन है, अच्छापन है, और जो उनमें एक थोड़ा सा एक ग्रे शेड है, या फिर किसी चोर को सही रास्ते पर लाने की जो इंस्टिंक्ट होती है, एक मेंटोर इंस्टिंक्ट, वो भी उनमें है। तो ये सारे शेड्स मुझे इस किरदार में दिखाई दिए, और मतलब मैंने जो लिखा था उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन इन्होंने परफॉर्म किया है। मतलब मैंने इतना लिखा था तो उन्होंने वहाँ तक पहुँचा। बहुत कुछ तो मनाली जी ने आपको बता ही चुका है, जैसे कि यंग जनरेशन की कहानी है, स्पेशली इस कहानी के अंदर हम लोगों ने जो हम लोग यंग जनरेशन के लिए जो हम लोग करना चाह रहे हैं, आजकल के यंग जनरेशन बहुत गलत दिशा पकड़ना चाह रहे हैं और पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो सब उसी जनरेशन को कंट्रोल में लाने के लिए हम लोगों के पास शाजी शिंदे सर जैसे एक इंस्पेक्टर का जो रोल कर रहे हैं, तो ये उसी 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 धारा को हम लोग एक कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए है क्योंकि अभी पहली बार तो सब यंग, हम लोग खुद भी अभी देखिए इतने अक्षय जी जो हैं, मनाली जी जो हैं, ये सब लोग बहुत यंग है। हम लोग खैर हमारा एक्सपीरियंस अपने आप में अलग है, सर से तो खैर अभी हम खुद सीख रहे हैं, शाजी सर से भले हमको हमारा अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन सर से इतना सीखने मिल रहा है ना, शायद हमको लगता है कि वो साउथ इंडियन फिल्म करते थे तो शायद हो सकता है उस तरह का रिएक्शन करें या उस तरह का, लेकिन ये इतना नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं, इतना नेचुरल जो इसके अंदर जो इन्होंने कैरेक्टर पकड़ा है ना, उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिल रहा है कि फिल्म वो दोनों कमर्शियल भी एक्टर है बहुत तरह से और बहुत हद तक नेचुरल और बहुत ही सटल एक्टर है, तो मुझे उनके साथ सीखने को मिल रहा है, तो मैं भी अभी उनकी नज़र में थोड़ा मतलब यंग हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन सर से काफ़ी सीखने के लिए मिल रहा है। हमारा पहला सीरीज़ है जेंजी झूलर्स, उसके बाद मोमोज मैडनेस मोहब्बत, और भी हमारी और सीरीज़ आने वाली है जो ऑलरेडी लाइनअप है, और इसी महीने में हम और एक सीरीज़ का प्लान कर रहे हैं, तो ऑडियंस के लिए हम ढेर सारी सीरीज़, ढेर सारे जॉनर्स और ढेर सारी मस्ती लेके आ रहे हैं, और जितनी भी ऑडियंस है ईच एंड एवरी, अभी ये जो कंसेप्ट है जेन जी झूलर्स, अभी जैसे मैम ने बताया कि ये 20 से 25 साल के एज ग्रुप के जो लड़के हैं उनके रिगार्डिंग स्टोरी है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है चीज़ कि इन ये जनरेशन के बारे में जानने के लिए जो
बड़े लोग हैं जो बड़ा एज ग्रुप है अबाउ 40 अबाउ 45 उन लोगों के माइंड में भी एक क्यूरियोसिटी है कि ये लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं, है ना। तो वो एक क्यूरियोसिटी जो उनके अंदर है वो भी एक तरीके से इधर सॉल्व होगा कि ये एक्चुअल किस तरीके से ये सोचते हैं। इनका एक माइंड पकड़ने की कोशिश हम लोगों ने की है इस सीरीज़ में, और ऐसी कुछ सीरीज़ है, साइंस फिक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी, एडवेंचर, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हम लेके आ रहे हैं। अभी जो सीरीज़ है ये 5 एपिसोड की सीरीज़ है, और ये अभी पहला सीज़न है, और अभी तक हम लोग जितना प्लान कर पाए अभी तक हम लोगों ने इसका 3 से 4 सीज़न अभी तक हमने प्लान। अभी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट मतलब एक अभिषेक चौबे सर डायरेक्टर है, जिसमें सूप नाम की एक वेब सीरीज़ आ रही है, 8 एपिसोड की है, जिसमें मनोज वाजपेयी और मैं भाई भाई हूँ, और ये अगले महीने में आएगी। हाय, मेरा नाम निसार कुरैशी है, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस सीरीज। ऐसा हुआ है कि जैसे बहुत टाइम, हमेशा मैं जब भी सीरीज़ देखता था, वेब सीरीज़ बच्चों के साथ में देख नहीं पाते थे हम लोग, और जब भी ऐसा मुझको काफ़ी टाइम ऐसा लगा कि बच्चों के साथ ऐसे कुछ सीरीज़ बने जिसमें बच्चों के साथ भी देख सके हम बैठ के। फिर जब ये पता चला कि अपना बस लिक्स जो अपना नया चैनल लॉन्च हो रहे हैं उनके साथ में बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने अपना आइडिया बताया कि हमको जो सीरीज़ बनानी है उसमें कोई न्यूसेंस न्यूडिटी नहीं होगी, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होगी उसमें, और ये देख के मुझको बहुत अच्छा लगा कि दिस इज समथिंग व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एंड उसी टाइम पे एक आइडिया भी था दीपक में मेरे, कुछ रफ्टी था कि जैसे जो क्राइम आजकल हो रहे, यंगस्टर जो हमारे हैं नौजवान जो बहुत जल्दी पैसा बनाने की कोशिश में रहते हैं हमेशा, उसी से लेके एक आइडिया था कि ऐसा कुछ बनाया जाए कि जो बच्चों को समझाया जाए कि ये चीज़ जल्दी पैसा बनाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसका अंत बुरा ही होता है। तो उसी आइडिया को लेके हमने बात की और चैनल को भी ये आइडिया अच्छा लगा तो उसको डेवलप किया हमने आगे, और फिर दिमाग में शुरू से, लेकिन मेरे यही था कि अगर ये करना है तो साहब के साथ ही करना है हमको, ये ग्रू एज बेटर देन सियाजी सर, क्योंकि ये जो कर सकते हैं वो मेरे हिसाब से कोई और नहीं कर सकता है, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। और आप लोग भी सभी चीज़ बातें सहमत हो। इस सीरीज की तैयारी के बारे में बताइए, कितना समय लगा आपको? ये हमारी लगभग 3 से 4 महीने से पहले हमारी तैयारी चालू थी इसके बारे में, 3 से 4 महीने हमारे लगे इसको तैयार होने में पूरी तरह से, कास्टिंग में और फ्लोर जाने और फ्लोर आने पे सारी चीज़ों से, सर से फिर हमने डिस्कस किया मैटर, सर को भी अच्छा लगा हमारा आइडिया, तो उसके लिए फिर हमने फाइनल किया। और अभी टुडे इज़ द 3rd डे ऑफ आर शूट, अभी 5 दिन की और शूट बाकी है हमारी, 5-6 दिन की। फिल्म किया ओटीटी के, काम तो देखो काम का जानर जो है वो डायरेक्टर राइटर फाइनल करते हैं, तो मैं हमेशा मानता हूँ कि डायरेक्टर को एक्टर राइटर ने जो लिखा है वो डायरेक्टर अपने हिसाब से जो देख रहा है वो नज़रिए क्या है वो पकड़ने का मैं कोशिश करता हूँ। वो एक बार क्लैरिटी आती है तो फटाफट काम होता है, अब ज़्यादा सोचने जाते हो तो गलत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, जैसे फटाफट जो बाय हार्ट इंस्टेंट आया वो किया ना तो फिर आता नहीं वो। मैं इसमें सब इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, और सर मेरे मेंटोर हैं, ये एक्स सब इंस्पेक्टर हैं। एक्चुअली जो मैं रियल में फील कर रही हूँ इतने बड़े एक्टर के साथ में काम करके, और सेम मेरा ऑन स्क्रीन भी वैसा ही है कि इनका एक्सपीरियंस इतना है। और अभी मैं जस्ट रील के बारे में मैं थोड़ा ही बता पाऊँगी, ज़्यादा तो कुछ बता नहीं पाऊँगी, कि फ़िलहाल ये मेरे मेंटोर हैं, और ये जो एक एज गैप होती है जनरेशन की, तो और मैं इनसे बहुत छोटी हूँ, जूनियर हूँ, तो ये मेरे से पूछते रहते हैं कुछ चीज़ें इंटरनेट के बारे में, ये कैसे होता है, ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, ये है ये रील की। और रियल में मैं इतने सीनियर में एकदम घबराई भी रहती हूँ इनसे, बट सीखने के लिए मुझे इनसे बहुत कुछ मिला है। 2 दिन मैंने इनके साथ शूट किया है, बट सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ मिला है इनसे, कि कैसे सीन ये एकदम से फट से कर भी लेते हैं, फटाफट याद भी हो जाती है इनको, इनका इतना एक्सपीरियंस है। तो हाँ, जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा इनके साथ। ओटीटी के जो फाउंडर हैं समीर शिनॉय, जो दुबई बेस्ड हैं, और उनका ये आइडिया था कि सर हम कोई भी वेब सीरीज़ देखते फैमिली के साथ बैठ के नहीं दे सकते, आप जितने भी ओटीटीज देखते हो सब में कुछ ना कुछ गंदा, कुछ ना कुछ ऐसा है ही, तो उनका ये आइडिया था कि मैं एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म खड़ा करूँगा जिसमें फैमिली के साथ हम बैठ के शो देख सकें। तो ये उनका आइडिया था, जब हमको पता चला तो फिर हमने फिर साथ में जुड़े और जुड़ के फिर एक मुकाम तक लेके आए हैं कि अब इसकी स्टार्ट हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। तो अब ये है कि
हमारे जितने भी शोज रहेंगे ये सब ऐसे ही रहेंगे, लाइक इसमें कोई भी ऐसा गंदापन या कोई भी नंगापन ऐसा कुछ नहीं रहेगा और साफ़ सुथरा OTT है। इसीलिए शायद जी सर भी साथ में इसीलिए जुड़े हैं कि इनको इन्होंने देखा है कि भाई ये चीज़ एक अच्छी है, क्योंकि दूसरे और OTT मुझे लगता नहीं कि ऐसे ऐसे सब शोज बना भी रहे, वो खाली कमर्शियली सोचते हैं, पब्लिक के लिए नहीं सोचते। इसमें यंग जनरेशन में या जो आने वाली जनरेशन एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है, लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं ये सब चीज़ें देख देख के, तो उनका एक आइडिया था कि भाई ये ऐसा कुछ हो जिससे एक सही रास्ता भी देखे। तो हमारी सीरीज़ भी जो बन रही है वो भी सब ऐसे ही है, सबको सही रास्ते पे लाने के लिए अच्छा मैसेज होगा, एक अच्छा आपको इंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि ये जो चल रहा है ये इंटरटेनमेंट नहीं है, इंटरटेनमेंट इसके अलावा भी है। तो ये इनका आइडिया था, तो इसलिए हम लोग सब साथ में जुड़े और ये स्टार्ट किया और आज ऊपर वाली कृपा से चालू भी हो रहा है, नेक्स्ट मंथ या ये मंथ की एंड में लाइव भी हो जाएगा। और सर जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो फिर इनका साथ रहेगा तो फिर बहुत कुछ आगे और आपको देखने के लिए। आप बताएं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को। देखिए ये प्रोजेक्ट पहला तो एक जो अभी जेंजी झूलस जो नाम है इसका, इसके जो हम जैसे हम हैं या फिर कुछ और लोग हैं जिन्होंने जस्ट इस स्टेज को पार किया है, हमने उस जेंजी के एज को जिया है, तो हम खुद भी वो समझ सक रहे हैं कि वो क्या था जो हमारे दिमाग में चलता था। आज हम वही पोर्ट्रे कर रहे हैं इस वेब सीरीज़ के थ्रू कि हमारे दिमाग में जो खुरापातें चलती थी वो आज से हमसे जो बड़े जो पहले के जनरेशन थी वो आज टैली नहीं कर पाते हैं, कि आज के बच्चे शुरुआत में ही बहुत हाईटेक हो गए। तो अभी जो ये वेब सीरीज़ है वो हर एक जोन दिखाएगी कि बच्चे हाईटेक भी हैं, बच्चे अलग सोच रखते हैं, कुछ अलग उनकी विजन्स हैं, वो पहले ऐसी चीज़ें नहीं है कि बस वो पढ़ा और हो गया। इसमें पांच जो झोलस हैं उनकी पांच अलग अलग वेरिएशंस हैं जो हम पहले हुआ करते थे, तो हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वेब सीरीज़ के थ्रू कि हाँ ये है आज की जनरेशन की एक लाइनअप की दिमाग में उनका क्या चलता है। मैंने काम किए हैं डेली सॉप्स वगैरह काम किए, ये मेरा पहला बड़ा ब्रेक है जो सर के साथ है। पांच झोलर्स हैं जिसमें से एक मैं हूँ जिसका नाम पप्पू है, जो कैरेक्टर का नाम है वो मैं प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम हार्दिक मेंगी है, ये मेरा पहला वेब सीरीज़ है डेब्यू, एंड मेरे किरदार का नाम है दादा। पांच झोलर्स में से मैं भी एक झोलर हूँ, और बाकी बस सर के साथ काम करने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। जी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक पहली बात तो वो लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं हमारे से, हम तो अभी जस्ट एंट्री लिए हैं, छोटे सीडलिंग है, सर ने बोला छोटा सीडलिंग है, पेड़ बाद में बनेगा, अभी सर पेड़ बन चुके हैं, हम बस सर को देखते हैं पेड़ बनने के लिए।